सर आज देसी हीरा आपकी फिल्म का जो है क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ये चीज है देसी हीरा। एक्चुअली मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि गांव घर से मतलब नए नए अनमोल रत्न निकलते हैं लाइक दैट, तो वैसे ही रिलेटेड है कुछ ये स्टोरी कि मतलब एक ग्रामीण परिवेश में कैसे एक बंदा किस ढंग से स्ट्रगल करके और वो अपने आप को चमकाता है और अपने आप को एक देश की अलग सतह पे एक पटल पे लेके आता है एक अलग रूप में। क्या किरदार होगा? एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक अलग लड़के का किरदार है जो बहुत ही अल्लड़ है बचपन से, मतलब खेतों में हल चलाना वगैरह वगैरह लाइक दैट, पढ़ाई भी उसकी नहीं हुई है। एक मनमौजी किरदार है, मतलब एक मनमौजी लड़के का किरदार। हाँ आप कह सकते हैं कि ठेठ, मतलब लुंगी और गमछे वाला कह सकते हैं। मैं तो इंजॉय करूँगा यार, रियली बहुत इंजॉय करूँगा। बचपन की चीज़ें मतलब जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे स्कूल टाइम में जैसे मस्ती किया करते थे वैसे इस फिल्म में कम्प्लीटली मतलब वैसा ही कुछ परिवेश है। हिंदी में अभी कौन-कौन सी फिल्म कर ली जा चुकी है? हिंदी में रेस 3 है, स्ट्राइकर है, दो मराठी फिल्म भी रिलीज हुई है मेरी प्रेमा चिनाते और मंगलसूत्र, और अभी आने वाली फिल्म में दबंग है जिसमें सलमान खान स्टारिंग है। रेस 3 में भी मैंने सलमान सर के साथ में काम किया, अनिल कपूर, जैकलीन, और दबंग 3 में सलमान सर हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, सुदीप हैं। सुदीप के साथ मैं एक साउथ की फिल्म और कर रहा हूँ जिसमें सुदीप और जयराज एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, मैं एज ए मैन लीडर वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में भोजपुरी से फिल्में क्यों नहीं करते हैं आप? पता नहीं, बट हमेशा कोशिश किया है मैंने, भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहन दी है, लोगों को सपोर्ट किया है, प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया है मैंने, मुझसे जो हो सकेगा सका है एज ए फंडिंग वगैरह ये वो मैं करते रहा भोजपुरी के लिए। बट भोजपुरी में कभी काम नहीं करने का हुआ क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, हिंदी थिएटर से, और ज़्यादातर मेरा टाइम उसी में चला जाता है तो मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है कि अपनी तरफ की कुछ फिल्में की जाए, तो एक फिल्म मैंने और की थी जो नदिया के पार में, मतलब नदिया के पार के बाद आफ्टर मतलब 17 या 20 ईयर्स यू सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारे राइटर डायरेक्टर जो सभा वर्मा है उन्हीं की फिल्म है, क्या रानी वेट्स राजा, सॉरी वो नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है, और देखिए शायद उसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलकर मतलब निकल के आ सके। आप कहाँ के रहने वाले हो और मुंबई में कैसे अपने बारे में बताइए? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, पटना में एक छोटी सी जगह है बाढ़, उस जगह का रहने वाला हूँ, और मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है आफ्टर 12, और यहाँ मेरी आईटी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। आपने बोला सलमान जी के साथ फिल्में कर चुके हो, फिर करने वाले हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके, कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे? सलमान सर के बारे में कहना मुश्किल है, एक्चुअली बहुत सपोर्टिव इंसान है, और जब एक्टर जाता है पहली बार, जब मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं कोई फियर था और लग रहा था कि शायद मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली, बट उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया और कंधे पे हाथ रखे इस ढंग से समझाया कि सीन ऑटोमेटिक ऐसे ही इधर से उधर हो गया, बहुत ही सपोर्ट करते हैं वो, और रियली कहा जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव इंसान है और अपने को एक्टर को बहुत कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ काम करके बहुत। हाँ बहुत सुलझे हुए इंसान है विवेक जी जहाँ तक मुझे पता है, और मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव और कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपके बजट फिल्म में नई हीरोइन लॉन्च हो रही है, कैसा दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा? मैंने उन्हें देखा है और बातचीत की है, जहाँ तक सुलझी हुई है, काफ़ी सुलझी हुई हैं, और एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, अभी देखते हैं किस ढंग से क्या हो पाता है, ऐसे ट्यूनिंग जमेगी उनके साथ में, तो बहुत सिंपल और सोबर है और काफ़ी सभ्य है। अप्रैल से तो मैं दबंग 3 के लिए बिजी हूँ, शायद अप्रैल के पहले या फिर अप्रैल के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।